अगर चीटिंग से आपको डर लगता है या चीट हुए हो और इस बार चीट नहीं होना चाहते, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है आपको बताने जा रहा हूँ। तो ब्रेकअप करने की कोई जरूरत नहीं और इसे आज गहराई से समझना अगर ठीक करना है, और लास्ट में सोल्यूशन भी दूंगा। मेरा नाम है डिजिटल गांधी और मैं दिल से रोमांटिक हूँ आपकी तरह, और 8 साल से रिश्ते जोड़ता आया हूँ बिना टोटके और अंधविश्वास के। तो अकेले में बात करनी होगी तो नीचे मैसेज करना जनाब। तो चलो जानते हैं एक बड़ा रीजन जो लड़कियों को चीटिंग के ख्यालों में डाल सकता है, और इसमें हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है, कब होता है, कहाँ होता है, किसके साथ होता है, साइंस क्या है और कैसे फिक्स करें, और हम क्या गलतियां करते हैं ये भी लास्ट में बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं क्यों। सबसे बड़ा रीजन है इमोशनल डिस्कनेक्ट। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ सही है पर अगर वो इमोशनली तुमसे कनेक्ट नहीं कर रही तो उनका दिमाग चीजों पर खुद से ही सोचने लगता है। अगर तुम उनकी फीलिंग्स को इग्नोर करते हो या उनसे बातें नहीं करते तो उन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या कोई और है जो मेरी फीलिंग्स को समझेगा? यही थॉट उनके चीटिंग की तरफ धकेल देता है। अब बात करते हैं ये कब होता है। ये तब होता है जब तुम दोनों की लाइफ बिजी चल रही होती है, एग्जाम्स, वर्क डेडलाइंस या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब आपके पास उनसे बात करने का वक्त ही नहीं होता तो वो सोचने लगती है क्या मुझे प्यार करता भी है या सिर्फ टाइम पास। इस वक्त उन्हें लगता है कि उनका इमोशनल साइड किसी ने समझा ही नहीं है और वो खुद को अकेली महसूस करती है। अब आप सोचो कि कहाँ होता है ये? सोशल मीडिया और फ्रेंड्स के बीच में, जब उन्हें किसी और की जिंदगी दिखती है जो शायद तुमसे ज्यादा रोमांटिक या सपोर्टिव हो, तो उनके दिमाग में ख्याल आता है क्या मेरी जिंदगी में भी ये सब है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और उनके दोस्तों के साथ घूमने फिरने के प्रेशर में उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर सकता है क्या मैं भी कुछ और ढूंढ सकती हूँ। अब आप सोचो कि किसके साथ होता है? कभी कभी ये उनके फ्रेंड्स या कलीग्स के साथ हो सकता है। जब आपके साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं है तो वो अपने दोस्तों या कलीग्स से जो उनकी फीलिंग्स को समझते हैं उनके साथ बनाएंगे, वहां जाकर अपने इमोशंस शेयर करने लगते हैं। अब आप पूछोगे इसके साइंस क्या है? अब इसके साइंस दो ही है। पहला, उनका खुद में रहना। अगर वो ज्यादा टाइम अपने फोन या सोशल मीडिया पर बिता रही है तो समझ जाओ। दूसरा, कम बातें। तुमसे बातें करने में ना इंटरेस्ट काफी कम हो जाता है तो तुम्हें दिखाई देने लग जाएगा। अब अक्सर हम कुछ गलतियां कर देते हैं इसे ठीक करने में, वो बताता हूँ। पहली, उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करना। जब वो आपसे कुछ शेयर करती है और आप तब डिस्ट्रैक्टेड होते हो। दूसरा, लैक ऑफ अफेक्शन। फिजिकल अफेक्शन या फिजिकल टच की कमी भी उन्हें अकेला महसूस करा सकती है। अब आप सोचोगे इसे ठीक कैसे करें? इसे ठीक करने के 100 रास्ते हैं पर एक आज बताऊंगा। इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो, चाहे मैसेज से या पार्टी से या गिफ्ट से। उस चीज की फोटो खींच कर उसे शेयर कर दो। मेमोरीज आपकी नेगेटिव फीलिंग्स को भी पॉजिटिव बनाने में पूरी मदद करेंगी। आपको प्यार बचाना है तो ये अगली वीडियो देखना काफी काम आएंगी।